केंद्र सरकार ने आज नई एफएम नीति घोषित कर दी। नई एफएम नीति का जो खाका सामने आया है वो किसानों को पूरी तरह गुमराह करने वाला नजर आ रहा है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के उन अफीम किसानों को 2019-20 में अफीम के पट्टे पर आत्मतरा होगी जिन्होंने बीते वर्ष फसल में अपनी अफीम में 4.5 प्रति हेक्टेयर दर से मार्फिंग का प्रतिशत दिया हो। और इस सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसानों को मार्फिंग के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही इस वर्ष अफीम नीति में किसानों का रकबा भी कम होगा क्योंकि अधिकतम किसानों को मार्फिंग प्रतिशत 4.5 से 5.2 तक ही है, तो उन किसानों को 6 आरी के लाइसेंस ही जारी किए जाएंगे। जैसे लगता है कि इस वर्ष 30% रकबा कम हो जाएगा। कुल मिलाकर इस वर्ष जारी की गई नई अफीम नीति में करीब 5 से 6 हजार अफीम किसानों के पट्टे कट सकते हैं। किसानों का आरोप है कि नई नीति से किसानों की संख्या घटेगी। किसानों द्वारा न्यूनतम औसत देने के बाद भी मार्फिंग प्रतिशत पर लाइसेंस जारी करने का आदेश जारी हुआ है। मार्फिंग प्रतिशत किसानों के हाथ में नहीं होता। अच्छी क्वालिटी की अफीम देने के बाद भी बहुत सारे किसानों के पट्टे कटेंगे क्योंकि मार्फिंग प्रतिशत 4.5 से कम है। उसमें पहले 10-10 आरी के पट्टे दिए जा रहे थे, अब 6-6 आरी के दे रहे हैं, तो इसमें किसान क्या करेगा, बापड़ा क्या कमाएगा इसमें? गलत है ये नई अफीम नीति अभी सरकार ने गलत निकाली है। और सबको 10-10 आरी के पट्टे दे तो बहुत अच्छी बात है, पुनः इस पर चर्चा करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए किसानों के बारे में और 10-10 आरी सबको देना चाहिए। जो नीति आई है, जो गजट नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है, वो किसानों के साथ जो देश आज़ाद होने के बाद ऐसी गलत नीति कभी जारी नहीं हुई है। केवल एक किसान को 6 आरी का पट्टा दिया जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम किसानों को हर आदमी को पट्टा दिलाएंगे और कम से 20 आरी का पट्टा दिलाएंगे, जो वादे किए थे अभी लोकसभा में, उसके परिणाम में जो अभी नीति आई उससे इनका जो चरित्र सामने आया है वो किसानों को एक बहुत बड़ा छल किया है। और मात्र 6 आरी का पट्टा कभी इतिहास में जारी नहीं हुआ और पहली बार 6 आरी का पट्टा जारी होगा। बिल्कुल किसान विरोधी नीति है। और जो पूर्व में हमारे सांसद रहे, जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, हमेशा किसानों को 20 आरी 50 आरी तक के पट्टे दिए गए थे। और जब ये सांसद सुधीर गुप्ता बना, जब से पिछले साल की तुलना पिछले साल भी किसान विरोधी नीति रही है और उससे भी घटिया नीति इस बार आई, जो 6 आरी के और 10 आरी के पट्टे कुल मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी किसान विरोधी नीति है। इस किसानों की विरोध में नीति इसलिए मान रहे हैं कि ये 5.9 के लिए औसत दी, हमने 65 की औसत फुल दी, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि 6 आरी का देंगे। अब 6 आरी में देंगे कि उसके जो उसमें अफीम कारखाने में जो आया है उसमें कितना इसका इसके पास वो है क्या नहीं, किसान को तो पता नहीं बेचारे को। कुछ लोग डिग्री पास करवा लेते हैं, कुछ दलाल क्या कर लेते हैं। तो किसानों के, मेरे हिसाब से मैं तो ये मानता हूँ, हम लोग भी किसान हैं, अफीम पैदावार कर रहे हैं, पर ये नीति जो है किसानों के खिलाफ नीति आई है। क्योंकि सभी को समान पट्टे मिलने चाहिए, सभी को 10-10 आरी के अफीम मिलने चाहिए, 99-98 का क्राइटेरिया भी इसमें जोड़ के और इस किसान नीति में इसमें जो है अफीम का वितरण होना चाहिए पट्टों का। क्राप इस बार जो किसानों के लिए अनुकूल होनी चाहिए थे वैसे ये नहीं आई थी। और मार्फिन टेस्टिंग में मार्फिन बहुत कम बैठा था, इसलिए हमारा प्रयास था कि 5.9 से और मार्फिन को नीचे लाया जाए, तो उसको 4.5 ऐसा करके सभी के लाइसेंस अधिकांश हम बचा पाने में सफल हुए हैं। पट्टे कितने जारी होंगे इस बार, किस मान से क्या रहा, कुछ नया नहीं पट्टों में? देखिए पिछली बार की तुलना में संख्या में बहुत ज़्यादा कमी होनी थी, लगभग मैं समझता हूँ 70% के आसपास डी लाइसेंस हो रहे थे और इसीलिए उसको सारे लाइसेंसों को अपनी प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक था। और पहली बार ये 4.5 मार्फिन पे पट्टे जारी हुए हैं और नंबर ऑफ़ लाइसेंस कितने होंगे ये तो अब प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन के बाद पता पड़ पाएगा, लेकिन पिछली बार की तुलना में लाइसेंस कम नहीं है। क्योंकि जो लाइसेंस हालांकि डिडक्ट हुए हैं जिनका इन्फीरियर था वो, और बाकी सभी लोगों को लाइसेंस मिलेगा, उनका आरी जरूर कुछ कम हुआ है, रकबा में कमी आया है।